हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एनिमे बिगिनर्स के लिए। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब जिन्होंने किसी से इंस्पायर होके एनिमे देखना स्टार्ट किया है, या फिर मतलब कोई एक एनिमे देखा है जिससे उन्हें एनिमे के और इंटरेस्ट मिला है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक एनिमे बिगिनर है और अभी तक आपने सिर्फ एक या दो एनिमे ही देखा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो छोड़ के मत जाइए। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक धमाकेदार इंट्रो लगाते हैं और ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला एनिमे वो है जो कि एनिमे फैंस को पागल कर देता है, मतलब उन्हें लिटरली मैड बना देता है कि एनिमे देखो, देखते रहो, एक के बाद एक एपिसोड देखते रहो। तो उस एनिमे का नाम है डेथ नोट। फ्रेंड्स, डेथ नोट एक टॉप लेवल का एनिमे है, मतलब उसका लेवल ही कुछ अलग है। मतलब जिन्होंने देखा है डेथ नोट उन्हें पता होगा कि उसका लेवल क्या है। फ्रेंड, इसका स्टोरी कुछ आसान सा है, बट अब जब इसे देखेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे, मेरा विश्वास करना। तो डेथ नोट का स्टोरी कुछ ऐसा होता है कि शिनिगामीज होते हैं जिन्हें गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है, तो वो उनके पास एक किताब होता है, तो वो किताब ह्यूमन वर्ल्ड में वो गिरा देता है क्योंकि वो अपने वर्ल्ड से बहुत तंग आ चुका है। तो किताब एक सुपर डुपर जीनियस लड़के को मिलता है जिसका नाम है लाइट यागामी, और फिर वो उस किताब से क्राइम्स को मिटाना शुरू करता है। इस एनिमे के बारे में अब ज़्यादा और कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो ये एनिमे स्पॉइल हो जाएगा, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। जो देख चुके हैं वो तो जानते ही है क्या होगा, तो जो लोग बिगिनर्स हैं वो उनके लिए ये स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस एनिमे के बारे में। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये एनिमे एक मास्टरपीस है, तो इस एनिमे को पहले तो देखना बनता ही बनता है, इसके बाद आप एक एनिमे फैन ज़रूर बनेंगे, मेरा विश्वास करना। हमारा अगला जो एनिमे है वो एक हॉरर एनिमे है, मतलब सिर्फ हॉरर नहीं, वो एक्सट्रीम हॉरर एनिमे है। मतलब जो लोग हॉरर फैंस है उनके लिए ये एनिमे पूरी तरह से परफेक्ट है। तो इस एनिमे का नाम है कॉर्स पार्टी। तो ये सब 4 एपिसोड का है और आपको ये हिंदी डब, इंग्लिश डब और इंग्लिश सब, मतलब जो भी लैंग्वेज चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, और ये यूट्यूब में भी अच्छी तरह से अवेलेबल है हिंदी डब में। एनिमे के शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलेगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये 4 एपिसोड का ही है, तो ये स्पॉइल हो जाएगा कुछ भी अगर मैंने बताया। तो प्लीज़ देखिए, अगर आप एक हॉरर फैन है तो ये एनिमे नहीं देखा तो क्या देखा यार। हमारा जो अगला एनिमे है वो अनदर वर्ल्ड एनिमे में नंबर 1 पे है। किसी से भी पूछ लीजिए आप अनदर वर्ल्ड एनिमे में नंबर 1 पे कौन है, तो वो आपको यही नाम बताएगा। तो उस एनिमे का नाम है री ज़ीरो। थोड़ा और भी है वैसे अभी याद नहीं है। तो री ज़ीरो एक मास्टरपीस है अनदर वर्ल्ड एनिमे में। एनिमे में आपको टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ही सब कर सकता है, तब आफ्टर डेथ। इस एनिमे का स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ओटाकू है, बिल्कुल हमारी तरह, खैर छोड़िए। तो ओटाकू है वो, एक दिन एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि एक ओटाकू है तो उसे पता होता है कि अनदर वर्ल्ड एनिमे उसने बहुत देखा है, तो उसे लगता है कि वो क्योंकि एक अनदर वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके पास कोई सुपर पावर भी होगा, तो वो ढूंढने लगता है कि मेरे पास क्या है, क्या सुपर पावर है, बट उसे कुछ नहीं मिलता। फाइनली स्टोरी आगे बढ़ता है और उसे एक मतलब उस वर्ल्ड में कुछ मतलब गुंडों के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है, और वो मतलब वहाँ से तो बच निकलता है, बट मतलब कुछ टाइम बाद वो मारा जाता है,
में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि आपका ये स्टोरी स्पॉयल होना आपका ये स्टोरी क्यों स्पॉयल में करना नहीं चाहता, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वो मर जाता है, तो क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर मरेगा तो एनिमी कैसे आगे बढ़ेगा, तो तब हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है उसकी स्पेशल एबिलिटी। तो उसका एबिलिटी है कि वो मरने के बाद एक पॉइंट से वापस एक पॉइंट से फिर से वो स्टार्ट कर सकता है अपना लाइफ। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास ये ताकत है। तो ये एनिमी देखना आप, मतलब ये भी एक डेथ नोट की जैसा, मतलब उसके जैसा नहीं है, मतलब ये एनिमी भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड भी अभी देख लूँ, उसके बाद का एपिसोड भी अभी देख लूँ, मतलब एकदम से आपको एडिक्शन हो जाएगा इस एनिमी का, मतलब जब तक आप इसे ख़त्म ना कर ले। ज़्यादा नहीं है, बस 25 एपिसोड का है ये एनिमी, तो देखना फ्रेंड्स, ये भी एक मास्टरपीस है इन अनदर वर्ल्ड एनिमी। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट एनिमी है वो भी एक गेमिंग एनिमी है। तो ये एनिमी मेरा फेवरेट गेमिंग एनिमी है फ्रेंड्स, तो इस एनिमी को प्लीज़ देखना। तो इस एनिमी का नाम है नो गेम नो लाइफ। ये भी मतलब बहुत अच्छा एनिमी है, मतलब बीच में थोड़ा आपको मतलब इतना मज़ा नहीं आएगा, बट स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये एनिमी मतलब एकदम धमाका कर देता है। और इस एनिमी का एक मूवी भी है जिसका नाम है नो गेम नो लाइफ ज़ीरो, तो ये उसके मतलब वो मूवी भी देखना, वो मूवी तो मतलब एनिमी से भी मास्टरपीस है, तो वो मूवी भी देखना फ्रेंड्स। ये और ये एनिमी का स्टोरी कुछ ऐसा है कि मतलब एक भाई और एक बहन होता है, मतलब भाई बहन होते हैं दो, तो वो एक गेमिंग वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। और उन्हें कौन ले जाता है वो तो आपको देखे बाद ही पता चलेगा कि उन्हें कौन ले जाता है, मतलब जो उन्हें उन गेमिंग एनिमी की दुनिया में ले जाता है वो मतलब बहुत ताकतवर होता है। तो अब अगर आप ये एनिमी देखेंगे तो ही समझ जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट एनिमी है वो भी एक मास्टरपीस है, और ये एक टाइम ट्रैवल एनिमी भी है, मतलब टाइम ट्रैवल एनिमी है, तो ये भी मेरा एक फेवरेट एनिमी में से एक है। तो इस एनिमी का नाम है इरेज्ड। एनिमी का स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है अगर उसके सामने कुछ भी बुरा होता है तो वो वापस टाइम में पीछे चला जा सकता है और उस घटना को ठीक कर सकता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मतलब मॉम की मर्डर हो जाती है, तो वो फिर एक दो दिन नहीं, एक दो साल नहीं, पूरा 10 साल पीछे चला जाता है। उसे तब पता नहीं होता है कि वो कौन सी चीज़ ठीक करे जिससे उसकी मॉम की मर्डर ना हो। फ्रेंड्स, ये एनिमी भी ज़रूर देखना, ये एनिमी भी एक मास्टरपीस है। फ्रेंड्स, अगर आपने इन एनिमीज में से कोई भी एनिमी देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि कौन सा एनिमी आप देख चुके हैं, और जो एनिमी अभी तक आपने नहीं देखा है इन लिस्ट में तो वो एनिमी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, एनिमे फॉर एनिमे बिगिनर्स का पार्ट 2 भी आएगा, तो उसमें मैं और 5 एनिमीज के बारे में बताऊंगा आप सबको, तो वो वीडियो भी आप मिस मत करना। इसीलिए आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकॉन को भी ज़रूर दबाना। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, और अगर आपका एनिमी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टाटा, सायोनारा।